पिछले 15 सालों में एक इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करके रखा है। एक चाय वाले से भारत का हाईएस्ट ऑफिस जिसने अचीव किया है। हर हर महादेव। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन पूरी कांग्रेस को तो खा गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, वो एक फिनोमिनन रहे हैं, अनडिफीटेड, अनचैलेंज्ड, अनस्टॉपेबल। लेकिन 2024 ने कुछ ऐसा लाया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। As polls were predicting, 289 is the number for the NDA. The results in Uttar Pradesh are not only surprising but shocking for us. जो नतीजे आए हैं वो चौंका नंबर। संजय राउत ने कहा कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो गया। India's Prime Minister has claimed victory in the country's election, but the performance of his party, the BJP, has fallen well short of expectations. अपने करियर में पहली बार मोदी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाने से चूक गया। एक अनडिफीटेड फाइटर पर ऑपोजिशन ने एक पंच लैंड कर दिया। मोदी की इनविंसिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया, नैरेटिव बदलने लगा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। ऑपोजिशन आज अपने आप को बाजीगर समझ रही है, जो इलेक्शन हार कर भी टॉपर की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुद शायद मोदी या उनकी पार्टी और उनके सपोर्टर्स ये वंडर कर रहे हैं कि जिस ब्रांड ने 10 सालों तक इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, क्या वो ब्रांड फेड कर रहा है? क्या मोदी, जो अभी भी अपने पॉलिटिकल करियर में अनडिफीटेड हैं, क्या वो इस सेटबैक से रिकवर कर सकते हैं? या फिर जिस पॉलिटिशियन ने इंडियन पॉलिटिक्स को रीशेप किया, क्या ये उस पॉलिटिशियन की जर्नी की अंत की शुरुआत है? शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, मोदी ऑलरेडी इंडिया के सबसे हिस्टोरिक प्राइम मिनिस्टर्स में से एक की तरह जाने जाएंगे। उनकी जर्नी इतनी कमाल की है कि उस पर एक मूवी बन सकती है। नहीं नहीं, एक बेटर मूवी। मोदी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। वो अपनी पूरी यंग जिंदगी एक आरएसएस कार सेवक रहे। 1978 में वो आरएसएस के विभाग प्रचारक बने, 1981 में एक प्रांत प्रचारक बने। नरेंद्र मोदी के काम से बीजेपी प्रेसिडेंट अलके अडवाणी बहुत इंप्रेस हुए और 1987 में उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काफी काम किया, चाहे 1987 के अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की जीत हो या फिर 1990 में अडवाणी जी की रथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में उनका काम हो। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे गीगा चैट मूव्स भी किए जिसकी वजह से उनका नाम बढ़ने लगा। उनको एक बार कश्मीरी आतंकियों ने ललकारा था और उनका रिस्पांस देखिए। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर सुनिए, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। श्री नरेंद्र मोदी और अन्य साथियों के साथ सुबह 8:25 पर लाल चौक पहुँच गए। कुमारी में ली गई शपथ पूरी हुई और जोशी जी ने लाल चौक पर तमाम मुश्किलों को पार कर राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया। आम नागरिकों द्वारा शायद पहली बार लाल चौक पर सम्मान पूर्वक तिरंगा लहराता देख
आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद 1995 में जब बीजेपी पहली बार असेंबली इलेक्शन जीती गुजरात में, तो मोदी को बीजेपी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद जब 2001 में गुजरात में बहुत सीवियर अर्थक्वेक की वजह से गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को काफी ब्लो बैक मिला, उसके ऊपर से उनकी हेल्थ भी खराब हो रही थी, तो उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात के सीएम के रूप में सजेस्ट किया। और फिर 4 महीने के बाद 2002 के असेंबली इलेक्शंस में जीतकर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने के कुछ महीने बाद ही गोधरा का कांड होता है, जहां कार सेवकों को लेकर आ रही ट्रेन के कोचेज में एक इस्लामिस्ट मॉब आग लगा देती है, जिसमें अराउंड 59 लोगों की मौत होती है, जिसके बाद गुजरात में बहुत बुरे दंगे होते हैं जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है। ये मोदी के अर्ली करियर का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर पूरी मीडिया मशीनरी उनको डुबाने के पीछे लग गई थी। उस समय सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने कई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बिठाई उनके पीछे, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मोदी को 2002 के केस में क्लीन चिट दी। 2019 में नानावटी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट ने भी मोदी को क्लीन चिट दी। लेकिन इन सारे स्ट्रगल्स के बावजूद मोदी ने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में एक रेपुटेशन डेवलप कर ली थी, एक ऐसे समय पर जिस तरह हिमेश रेशमिया हिट पर हिट दिए जा रहा था, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी स्कैम पर स्कैम दिए जा रही थी। मनमोहन सरकार पर घोटाले का सबसे बड़ा अटैक हुआ है, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, एक के बाद एक तीन घोटाले की फाइल आज खुली। इनकम टैक्स छापों पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नया घोटाला है तुगलक रोड घोटाला। जो शर्मिंदगी लेकर आए हैं कॉमनवेल्थ खेल, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? उस समय पर मोदी ने अपने आप को एक प्रो डेवलपमेंट लीडर की तरह पोजीशन किया। डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी मोदी का काफी बड़ा फोकस था। और मोदी के चीफ मिनिस्टरशिप के टेन्योर में गुजरात की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही थी। गुजरात का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2001 से 2010 के बीच में 16.6% के एनुअल रेट से बढ़ा, जबकि 1991 टू 1998 ये ग्रोथ आधी थी, यानी 8.2%। 2002 से 2011 के बीच में गुजरात की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी सारे इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट थी। गुजरात एफडीआई के लिए और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए एक फेवर डेस्टिनेशन बन गया इंडिया का। याद कीजिए 2010 में जब टाटा एक बड़ी फैक्ट्री बंगाल में सेटअप करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर माओवादियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो मोदी ने कहा कि बंगाल छोड़िए, आइए गुजरात में अपनी फैक्ट्री सेटअप कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इनकी ग्रोथ देखिए। 3 major water management projects including Sauni and Sujalam Sufalam significantly improve water quality and availability for drinking and agriculture across the state. Gujarat became the first state to inaugurate a water grid with a vast canal network spanning 69,000 kilometers. This effort brought about a substantial transformation in Gujarat's education sector, significantly reducing the school dropout rate from a staggering 37% to just 2%. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिशियरीज रिसीव फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 10 लाख रुपीस एनुअली। स्कूल्स इन गुजरात स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड आयरन सप्लीमेंट्स टू स्कूल चिल्ड्रन, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। और इस परफॉर्मेंस के चलते मोदी ने 2007 में ही नहीं बल्कि 2012 में भी गुजरात इलेक्शन जीते। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के कार्यकाल में गुजरात का पॉवर्टी रेट 2010 आते आते 23% तक घट चुका था। इनके गुजरात में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदुत्व मैसेज की वजह से वो पूरे देश में बहुत पॉपुलर होने लगे। 2014 इलेक्शन के समय पर बेसिकली वो बीजेपी के सबसे पॉपुलर लीडर थे, जिसके बाद उन्हें पीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और ये डिसीजन बीजेपी के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होता है, जब 2014 में मोदी और बीजेपी 282 सीट्स जीतकर एक फुल मेजोरिटी के साथ पावर में आती है और मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। पहले 5 सालों के कार्यकाल में मोदी का गोल रहता है करप्शन को खत्म करना, डीमोनेटाइजेशन और GST जैसी स्कीम्स लाकर नॉन करप्ट तरीके से, क्लीन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाकर गरीबों का उद्धार करना और तेजी से डेवलपमेंट करना, जो कि यूपीए की रेजिम में था। उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का मैसेज देना, इन सारी चीजों का गोल था कि अलग अलग कास्ट के लोगों का उद्धार किया जाए, उनको इकोनॉमिक और कल्चरल मेनस्ट्रीम से जोड़ा जाए और वेलफेयर स्कीम्स और हिंदुत्व का इस्तेमाल करके जो कास्ट के बीच में बैरियर्स थे, लैंग्वेज के बीच के बैरियर्स थे, उनको तोड़कर सारे हिंदुओं को हिंदुत्व के बैनर में जोड़ा जाए। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को भी सीरियसली लिया, जब उरी के अटैक के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के एक सर्जिकल स्ट्राइक किया।
और इन स्ट्रॉन्ग मेजर्स की वजह से बीजेपी को 2019 में एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट भी मिला, जब उन्होंने 2014 से भी ज्यादा सीट्स लाकर 2014 से भी ज्यादा यानी 303 सीट्स लाकर एक हिस्टोरिक जीत दर्ज की। द बीजेपी अलोन हैज मैनेज्ड टू विन 303 सीट्स, 31 सीट्स मोर देन द बेसिक मेजोरिटी मार्क ऑफ 272। इसके बाद मोदी ने बीजेपी के विजन को और अग्रेसिवली और स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, चाहे वो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, घर में घुसकर मारता है, या 500 साल के जतन के बाद राम मंदिर का वर्डिक्ट डिलीवर करना हो। इन बड़े हिंदुत्व और नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस के अलावा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जैम ट्रिनिटी, उज्ज्वला योजना जैसे बड़े सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स भी लॉन्च किए, और कोविड पैंडेमिक जिसमें इतने सारे देशों ने मुश्किलें फेस की, इंडिया ने भी बहुत सारी मुश्किलें फेस की, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की जाने गई, इसके बावजूद मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़े रिसेशन से बचाकर इस बड़े पैंडेमिक के थ्रू नेविगेट भी किया। ये एक ऐसा समय था जब ब्रांड मोदी आप कह सकते हैं अपने पीक पर था। ऑपोजिशन को भी समझ में आ गया था कि यार मोदी को अब अटैक करे तो कैसे करे, इनको जब भी अटैक करते हैं ये और स्ट्रांग होते जाते हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ, कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इनका ब्रांड इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बहुत स्ट्रांग था। इनके फॉरेन विजिट्स में आप देखिए कितना क्रेज था, लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि भैया कोई पॉलिटिशियन नहीं आया हो, बीटीएस आ गया हो। हाँ देखो, जेन जी और जेन अल्फा को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी उतनी उम्र नहीं है अभी, मेरे को पता है बीटीएस क्या होता है। एक टाइम पर जो अमेरिका इंडिया को आंख दिखाता था, आज वही यूएसए मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है, उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया जा रहा है। यूएस कांग्रेस में जब वो जाते हैं तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। मोदी को अलग अलग देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल रहे हैं। यूएस में उन्हें लीजन ऑफ मेरिट दिया गया, रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दिया गया, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर दिया गया, ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल, भूटान का ऑर्डर ऑफ द्रुग्यालपो, मालदीव्स का निशान इज्जुद्दीन अवार्ड, फिजी का ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। लेकिन देखिए ब्रांड वैल्यू की क्या चीज होती है कि वो कभी भी स्टैग्नेट नहीं होती है, या तो इस ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। मोदी की ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2024 में मोदी बहुत कंफर्टेबली इलेक्शन जीतेंगे। पूरा देश कह रहा है अब की बार। लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो ऑपोजिशन है वो कितनी डिसऑर्गेनाइज है, चलिए साथ में है लेकिन ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर एक दूसरे को लाइक नहीं करता, हमेशा एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, सिर्फ मोदी को हराने के लिए साथ में खड़े हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया 2024 में वो सबके लिए सरप्राइजिंग था। As polls were predicting, 289 is the number for the NDA. The results in Uttar Pradesh are not only surprising but shocking for us. जो नतीजे आए हैं संजय राउत ने कहा कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो गया। Well, India's Prime Minister has claimed victory in the country's election, but the performance of his party, the BJP, has fallen well short of expectations. अब इस रिजल्ट से obviously ऑपोजिशन को काफी एनकरेजमेंट मिला। ऑपोजिशन के स्पोक्स पर्सन तो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी जैसे वो एक्चुअली इलेक्शन जीत गए हों। लेकिन असलियत में उनके ट्रिपल डिजिट्स भी नहीं आए हैं। ऑनेस्टली अगर मोदी का रिएक्शन देखें तो वो उस लड़की का रिएक्शन है जो पूरे साल पढ़ाई करती है, 90% लाती भी है, लेकिन उसको दुख इस बात का रहता है कि भैया 98% क्यों नहीं है। जबकि कांग्रेस उस लड़के की तरह है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, बेयरली 40% लाके पास कर जाता है, लेकिन पूरी रात पार्टी करता है कि यार कम से कम साल रिपीट तो नहीं करना पड़ रहा। तो साल 2019 में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 240 सीट ही जीत पाती है। यानी मोदी अपनी करियर में पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाए। यही नहीं, बीजेपी के वोट्स टू सीट्स कन्वर्जन रेशियो भी कम होता नजर आता है। साल 2014 में ये 1.68 था, जबकि 2024 के इलेक्शन में ये गिरकर 1.15 हो जाता है। इसके अलावा बीजेपी का ऑपोजिशन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट और पॉपुलर कंस्टिट्यूएंसीज में विन का रेशियो भी 2014 और 2019 के मुकाबले कम हो जाता है। इससे ऑब्वियसली मोदी की इमेज पर इफेक्ट पड़ा है। नियरली 20 साल से मोदी की एक इमेज थी कि वो इनविंसिबल है, कभी भी उनकी फुल मेजोरिटी से कम नहीं आई है।
2024 में, लेकिन ये पहली बार हुआ। अब मोदी को एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, अपने एलाइज पर डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लीडर्स पर, खासकर नीतीश कुमार जो हाल ही में हुए ओलंपिक्स के जिम्नास्टिक्स चैंपियन से भी ज्यादा पलटी मारते हैं। और इस कोलिशन में कैसे टेंशन हो सकते हैं उसका रिजल्ट हमने देखा भी है। हाल में ही चिराग पासवान ने मोदी जी के वक्फ बोर्ड बिल और यूपीएससी के लैटरल एंट्री वाले डिसीजन पर भी ऑब्जेक्शन जताया था। मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मैं मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। तो ऐसे नाजुक सिचुएशन में एलाइज को नाराज करना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। बीजेपी को और मोदी को एक और सेटबैक ये मिला है कि बीजेपी और मोदी इस बात के लिए फेमस थे, किसी भी एरिया का कास्ट अरिथमेटिक ऑपोजिशन से बेहतर समझते थे कि भाई किस कास्ट का कैंडिडेट कहां सिलेक्ट करना है, किसके खिलाफ लड़वाना है, किस कास्ट को कहां रिप्रेजेंटेशन देना है प्रॉपर्ली। लेकिन 2024 में एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में इस कास्ट अरिथमेटिक में सपा ने बीजेपी को हरा दिया। सपा बीजेपी से बेहतर तरीके से इस कास्ट अरिथमेटिक को एटलीस्ट पूर्वांचल के एरिया में समझ पाई। और इस इलेक्शन में एटलीस्ट ऑपोजिशन इस बात को समझ गई है कि अगर हिंदू यूनिटी को तोड़ना है, बीजेपी के हिंदुत्व मूवमेंट को तोड़ना है, तो बेसिकली उसका यही तरीका है कि हिंदू सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पर टुकड़े टुकड़े में बांटा जाए। तो ब्रांड मोदी को यह भी सदमा लगा है। ब्रांड मोदी को तीसरा सदमा ये लगा है कि उनके पहले टर्म में उनकी एक रेपुटेशन थी कि भैया ये स्ट्रांग डिसीजन मेकर है, एक बार डिसीजन ले दिया तो कोई हिला नहीं सकता इनको। लेकिन उनके सेकंड टर्म में उनका एक रेपुटेशन डेवलप होने लगा कि ये डिसीजन पर एक्चुअली यू टर्न ले सकते हैं, और ये एक तरह से इनके ब्रांड में एक वीकनेस को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा किसान आंदोलन होने के बाद उन्होंने फार्म लॉस को वापस ले लिया। फुल मेजॉरिटी होने के बाद भी सीएए को लागू करने में पूरे 5 साल लग गए। बीजेपी और मोदी कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बावजूद आप देखिए कि दिल्ली में सीए के प्रोटेस्ट के बाद जो रायट्स हुए और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जो दिल्ली में रायट्स हुए, दोनों के लिए बीजेपी रिस्पांसिबल है, क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है। ऊपर से यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने इतने समय से प्रॉमिस किया है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। कुछ ही दिनों पहले पता चला कि बीजेपी ने ब्रॉडकास्ट बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले ही वापस ले लिया, और साथ ही हाल में ही ऑपोजिशन के हमले के बाद यूपीएससी के लैटरल एंट्री पर भी बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। इसके अलावा बजट में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म किए थे उन्हें भी अब फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। अब देखिए, बीजेपी कहेगी कि भाई देखिए हम अपनी इलेक्टोरेट का फीडबैक लेते हैं और उसके बाद डिसीजन को चेंज करते हैं, जो कि किसी भी रिस्पांसिबल पार्टी को करना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन इस पर अटैक करके ये कह रही है कि ये देखिए स्ट्रांग लीडर नहीं रहे, पर इन पे अगर आप प्रेशर डालोगे तो ये यू टर्न ले लेंगे। और देखिए, मोदी की सिचुएशन को एक स्पोर्ट्स टीम की सिचुएशन से कंपेयर किया जा सकता है। देखिए, एक स्पोर्ट्स टीम जब जीत रही होती है, एक विनिंग स्ट्रीक पर होती है, तब कोच कोई भी मूव करता है या प्लेयर्स कोई भी चीज करते हैं तो उसको एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस बोल दिया जाता है। लेकिन जब आप हार रहे होते हैं, एक लूजिंग स्ट्रीक पर होते हैं, तब आपके हर एक मूव पर फैंस सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये क्यों किया, ये सिलेक्शन क्यों किया, ये बॉलर क्यों चुना, ये बैट्समैन क्यों चुना, यहां फील्डर क्यों खड़ा किया। और इस समय भी बीजेपी के साथ यही हो रहा है। बीजेपी ने इलेक्शंस के दौरान काफी ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया था जो कांग्रेस, टीएमसी या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट होके बीजेपी में आए थे। लेकिन हुआ ये कि ऐसे 110 डिफेक्टेड कैंडिडेट्स में से 69 कैंडिडेट जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था वो इलेक्शन हार गए। इनमें से कई लीडर्स ऐसे थे जिन पर खुद मोदी और बीजेपी ने करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे, जैसे एनसीपी के अजीत पवार, छगन भुजबल और टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में लिया और अपनी पार्टी से टिकट भी दिया। इस बात से माना जाता है कि बीजेपी और आरएसएस के जो काडर वर्कर्स हैं, ये डिमोरलाइज हो गए कि भाई हमारे लोग जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट और चांस नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के यहां आ रहे हैं उनको चांस दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑपोजिशन जो कास्ट के बेसिस पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रही थी, उन्होंने मोदी को और बीजेपी को चोट तो पहुंचाई है। उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की कि अगर भाई मोदी ने 400 पार कर लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे और रिजर्वेशंस हटा देंगे। ऑपोजिशन इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि मोदी ब्रांड को तभी कमजोर किया जा सकता है जब मोदी के हिंदू वोटर बेस डिवाइड हो, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोद कर फेंकना चाहते हैं। अब ऑपोजिशन पूरी तरह से हिंदू सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करने में लग गई है, चाहे इससे इंडियन सोसाइटी के टुकड़े हो जाए, भारत के टुकड़े हो जाए, इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को देख लीजिए, कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, जितनी आबादी उतनी हक का प्रॉमिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और इनको अगर लगा कि किसी कम्युनिटी के पास ज्यादा पैसा है तो उनका पैसा लेकर दूसरी कम्युनिटीज में बांट दिया जाएगा। पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां
कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। कर्नाटका में अभी हाल में ही प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 50% से 75% तक रिजर्वेशंस अनाउंस किए गए थे, जो कि आउटक्राई के बाद कैंसिल किए गए। अब तो देख लीजिए राहुल गांधी बॉलीवुड और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। बॉलीवुड की बात करेंगे, वहाँ पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल जी की लाइफ मस्त है यार, जब गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में, बॉलीवुड में, मिस इंडिया में रिजर्वेशन मांगने हो तो इनका ये हाल है। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी में अपर कास्ट को हटाकर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की पोजीशन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने हो तो इनका ये हाल है। क्योंकि भाई तब उनको अपनी कुर्सी छोड़कर किसी ओबीसी या शेड्यूल कास्ट को देनी पड़ेगी, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो उनकी पिताजी की जागीर है। अब हालत ये है कि लोग अब स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपको कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के जितनी आबादी उतना हक और अनरेगुलेटेड रिजर्वेशन दी जाती है तो क्या होता है। हमने आपको लेबनान का एग्जाम्पल दिया है, वेनेजुएला का एग्जाम्पल दिया है, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया है, जहां इस तरह की वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और अनरेगुलेटेड रिजर्वेशन से वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन देखिए ऑपोजिशन को सिर्फ सत्ता की पड़ी है, उनको सोसाइटी की नहीं पड़ी है, इकोनॉमी की नहीं पड़ी है, अल्टीमेटली देश की नहीं पड़ी है। लेकिन आज ऑपोजिशन के मुंह में खून लग चुका है, वो मोदी को एक उस तरह के अनडिफीटेड फाइटर की तरह देख रहे हैं जो अपने सारे फाइट्स बड़ी आराम से जीत जाता था। लेकिन ये जो लास्ट फाइट हुई है वो जीता जरूर, लेकिन ये फाइट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट थी और ओपोनेंट्स जो थे उस पर काफी सारे पंचेस लैंड कर गए थे। तो जो ऑरा है इनविंसिबिलिटी की वो मोदी की कम हो गई है। अब शायद ये लोग सोचते हो कि जब तक वो इनविंसिबिलिटी की ऑरा थी तब तक मोदी जीत सकते हैं, लेकिन अब वो जो ऑरा खत्म हो गई है तो उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब वो नहीं जीते। क्या ये बात सच है? देखिए पॉसिबिलिटी है कि ये बात सच है, हो सकता है कि 2029 में ये हार जाए। लेकिन हमने देखा है हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स जहां पर ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हों लेकिन उन्होंने अपनी वैल्यू दोबारा बिल्ड की है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्वल को देखें, मार्वल आज पॉप कल्चर को डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में। लेकिन 1990s में क्या आपको पता है कि मार्वल ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, पुअर मैनेजमेंट की वजह से, अलग अलग मार्केट्स में ओवर एक्सटेंशन की वजह से और कॉमिक बुक मार्केट की कलैप्स की वजह से। लेकिन उन्होंने रीस्ट्रेटेजाइज किया, उन्होंने नोटिस किया कि भैया अब कॉमिक्स कोई नहीं पढ़ता, अब टीवी और मूवीज का जमाना है। तो उन्होंने मार्वल एंटरटेनमेंट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने मूवीज और टीवी शो डेवलप करने की कोशिश की, उन्होंने केविन फाइगी को इस डिवीजन को हायर करने के लिए चूज किया और उन्होंने मूवीज प्रोड्यूस करनी शुरू की और एक इंटरकनेक्टेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया और डिज्नी, सोनी और बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप डेवलप करके एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज क्रिएट की और आज मार्वल एंटरटेनमेंट इज वर्थ $54 बिलियन। आप एप्पल का एग्जाम्पल देख ले, 1990s में एप्पल बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, उसका मार्केट शेयर खत्म हो रहा था, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब थी और ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, बैंक्रप्सी के कगार पे थी ये कंपनी। लेकिन उन्होंने फिर 1997 में बड़े चेंजेस किए, स्टीव जॉब्स को उन्होंने वापस लाया, एक नई विजन डेवलप की जहां पर उन्होंने इनोवेशन और ब्रांडिंग पर फोकस किया, उन्होंने पूरी तरह से अपनी डिजाइन लैंग्वेज और ब्रांडिंग को चेंज किया और उन्होंने मैसिव डिसरप्शन और इनोवेशन पर फोकस किया, iMac, iPod, iPhone, iPad जैसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जिन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और आज एप्पल टेक इंडस्ट्री में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर हम मार्शल आर्ट्स को देखें उसमें भी एक बड़ा एग्जांपल है, एक फ्रांसिस एंगानू नाम का हैवीवेट फाइटर है जो यूएफसी में फाइट करता था, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो यूएफसी में आया था तो कई फाइट्स में अनडिफीटेड था, इनफैक्ट उसकी कोई भी फाइट्स पहले राउंड से बाहर ही नहीं निकलती थी क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता था। वो यूएफसी का सबसे स्कैरी फाइटर माना जाता था, लेकिन जब उसकी पहली चैंपियनशिप फाइट आई तब उसका मुकाबला हुआ एक वेटरन और बहुत ही टैलेंटेड फाइटर से जिसका नाम था स्टीपे मियोचिच, जिसने उसके पावर पंचेस को अवॉइड किया, अपनी रेसलिंग को यूज करके पहला राउंड सर्वाइव किया। और क्योंकि फ्रांसिस एंगानू कभी भी अपने करियर में पहले राउंड के बाहर गया ही नहीं था, वो बाकी राउंड्स में थक गया, उसकी स्टैमिना खत्म हो गई और वो फाइट हार गया। Cheers!
कई लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया इस बंदे का तो करियर ही खत्म, क्योंकि इसकी जो अनडिफीटेड स्कैरी ऑरा थी वो ऑरा खत्म हो गई। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी, इसने मेहनत की और ट्रेन किया और फिर लाइन से कई फाइट जीते, सारे ओपोनेंट्स को नॉकआउट किया और फाइनली उसका मुकाबला फिर से एक चैंपियनशिप फाइट में स्टीपे मियोचिच से हुआ, जिस फाइट में उसने बहुत कन्विंसिंगली स्टीपे मियोचिच को नॉकआउट किया और फाइनली यूएफसी का हैवीवेट चैंपियन बन गया। And new undisputed UFC heavyweight champion. और आप शायद इस बात को जानकर सरप्राइज नहीं होंगे कि मोदी और बीजेपी ने भी इस तरह का काम ऑलरेडी किया है। याद कीजिए कि 2017 में बीजेपी ऑलमोस्ट गुजरात हार गई थी, जो कि उनका एक गढ़ माना जाता है, लेकिन उन्होंने रीस्ट्रेटेजाइज किया और उसके बाद 2022 में एक ह्यूज मार्जिन से गुजरात में जीत हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हारा था, लेकिन 2023 में एक बहुत बड़े मार्जिन से इन इलेक्शंस को जीता था। तो क्लियरली बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को स्ट्रेटेजाइज करना और अपनी गलतियों से सीखना आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मोदी क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मोदी के पास राहुल गांधी वाली लग्जरी नहीं है। सब लोग राहुल गांधी को अंडरडॉग कहते हैं, हर 5 साल पे ये कम अवेज हो जाते हैं, पिछले 25 साल से ये कम अवेज ही हो रहे हैं। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फ मेड पर्सन लाइक मोदी एंड अ नेपो बेबी लाइक राहुल गांधी। मोदी जी के पास वो लग्जरी नहीं है कि ये बार बार हार के फिर भी इनको लीडरशिप की पोजीशन मिलती रहती है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी और मोदी में पाकिस्तान और इंडिया वाला डिफरेंस है। पाकिस्तान 100 बार जंग हारेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने एक बार अगर पाकिस्तान से जंग हार ली तो इंडिया खत्म। तो मोदी को वही करने की जरूरत है जो उन्होंने 2014 और 2019 में की थी, यानी ऑपोजिशन को लेफ्ट से और राइट से, दोनों तरफ से आउटफ्लैंक करना है। देखिए, वो जानते हैं कि भैया इन्होंने मुफ्त की चीजें ऑफर की है, आप भी मुफ्त की चीजें ऑफर करो, उनसे ज्यादा ऑफर करो, उसके साथ साथ हिंदुत्व को प्रमोट करते रहो ताकि कास्ट बैरियर्स टूटते रहे। ऑपोजिशन कास्ट बैरियर्स को और डीप करना चाहती है, आपका गोल है उन कास्ट बैरियर्स को तोड़ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आप अभी कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ ऑपोजिशन से भी ज्यादा फ्रीबीज दो। 2024 में आपने ओवर कॉन्फिडेंस में 400 पार बोल दिया, इसलिए बहुत सारे वोटर वोट करने ही नहीं गए। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार। जो अर्जेंसी आपने देश के लिए और कल्चर के लिए 2019 में दिखाई थी, वही आपको 2029 में दिखानी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब मोदी अपने बोल्ड डिसाइसिव लीडरशिप स्टाइल पर वापस आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो दंगे सीए और फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर हुए, ये अब नहीं होने चाहिए। जिस तरह से यूपी में आप लॉ एंड ऑर्डर यूज करते हो, उसी तरह से पूरे देश में यूज करो। ऑपोजिशन के प्रेशर में आके अब यू टर्न नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप यू टर्न लेते हो तो पब्लिक और ऑपोजिशन आपको कमजोर की तरह दिखती है। जो अनाउंस किया उसे कंप्लीट करो। अगर ऑपोजिशन हिंदू सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश कर रही है कास्ट में बांटकर, तो आप काउंटर पोलराइजेशन करो और हिंदुत्व और हिंदू वोट को यूनाइट करो। जो अभी रिसेंटली यूपी की कांवड़ कंट्रोवर्सी हुई है, जो वक्फ बिल लाया गया है और जो सेक्युलर सिविल कोड के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे बात की थी, ये वही हिंदू वोट को मुस्लिम्स के खिलाफ पोलराइज करके यूनाइट करने की कोशिश करने के लिए की गई है। तो क्लियरली मोदी इसके बारे में सोच रहे हैं। और देखिए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि बीजेपी में न्यू आइडियाज की जरूरत है, शायद न्यू ब्लड की जरूरत है। मोदी अब 73 ईयर्स के हो चुके हैं। मोदी को अब वैसे ही फ्रेश फेसेस की जरूरत है, जिस तरह से मोदी खुद 2001 में एक फ्रेश फेस थे। मोदी के ऊपर एक सही सवाल उठा है कि क्या उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग की है, क्या उन्होंने ऐसे लीडर्स डेवलप किए हैं जो 2029 के बाद उनकी जगह ले सके। क्या वो लीडर योगी हो सकते हैं, क्या वो लीडर हेमंत बिस्वा हो सकते हैं, क्या वो चिराग पासवान हो सकते हैं, या आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण हो सकते हैं। तो जब एक ब्रांड डिक्लाइन में होता है तो नए आइडियाज की जरूरत होती है, रेडिकल आइडियाज की जरूरत होती है। पिछले 10 सालों में सारे इलेक्शंस मोदी के नाम पर जीते गए, तो अब शायद बीजेपी को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो अपने नाम पर पॉपुलर हो मोदी की तरह ही। और आपको क्या लगता है कौन है वो लीडर? क्या वो योगी है, हेमंत बिस्वा है, चिराग पासवान है, पवन कल्याण है, या कोई और है? और आपको क्या लगता है कि मोदी क्या कर सकते हैं अपनी ब्रांड पावर को वापस रीगेन करने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब मेंबर बने, और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।